दोस्तों शायद आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। 1998 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इसमें आपको देखने को मिले थे अमिताभ बच्चन और गोविंदा। फिलहाल हम इस फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ये बिल्कुल भी इसका सीक्वल नहीं है, डायरेक्टर ने ये बात पहले से ही क्लियर कर दी है। ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ साल 2023 में रिलीज होगी। इसमें आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। कैसी रहेगी जोड़ी इस बात को लेकर तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक खूंखार विलन की एंट्री हुई है और इसमें हीरोइन रहने वाली है जाह्नवी कपूर। तो इस बात से लेके मुझे बड़ी घबराहट भी हो रही है कि भाई जाह्नवी कपूर को क्यों ले लिया। पहले से ही अक्षय कुमार का करियर अच्छा नहीं चल रहा है इन दोनों, ऊपर से टाइगर श्रॉफ को फिल्म में लेना जिनकी फिल्में अभी फिलहाल नहीं चल रही है अच्छे से, और सबसे बड़ी बात है जाह्नवी कपूर की एंट्री होना इस फिल्म में। मुझे तो लगता है फिल्म कहीं रिस्की ना बन जाए, कहीं कलेक्शन ना कर पाए। हालांकि फिल्म एंटरटेनिंग होने वाली है तो इसमें आपको कॉमेडी तो मिलेगी, एक्शन भी भरपूर देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें टाइगर श्रॉफ जो है। इस फिल्म में विलेन रहने वाले हैं पृथ्वीराज सुकुमारन, और सबसे बड़ी बात यह है ये एक डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और एक खूंखार विलेन भी हैं। तो देखना काफी दिलचस्प होगा किस तरीके से टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की टक्कर लेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अली अब्बास जफर, जो कि एकता टाइगर फिल्म लेकर आए थे और काफ़ी अच्छी उसने कमाई करी थी और मूवी भी अच्छी थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक इसकी शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है और ये फिल्म रिलीज होगी साल 2023 के दिसंबर में। ऐसे में अक्षय कुमार की तो शूटिंग जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ, जाह्नवी कपूर और फिर हमारे विलन भैया किस तरीके से क्या करने वाले हैं, तो सब कुछ काफ़ी दिलचस्प है। और आप लोग एक बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इन सब की जोड़ी आपको इस फिल्म में कैसी लगने वाली है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के।